हेलो फ्रेंड्स, रास्ते में देख रहे हैं आप कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है और इस कोहरे में ड्राइव करना एक अपने आप में टिपिकल टास्क है। और इस कोहरे में अगर ड्राइव करने के सही पॉइंट्स आपको नहीं मालूम तो आप बिल्कुल भी कोहरे में गाड़ी लेके मत जाइए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोहरा पड़ रहा है, इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा ही। गाड़ियां रोड पे आखिर चली रही हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और छोटी सी मिस्टेक क्या कर देती है तो वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने, ये सीधा सीधा कोहरे का एग्जांपल है और कोहरे में ड्राइवर को दिखा नहीं और सामने से गाड़ी आ गई, गाड़ी हो गई एक्सीडेंट। यहाँ तो एयरबैग थे, किसी को डैमेज नहीं हुआ है शायद, लेकिन ऐसा हमेशा किस्मत आपका साथ नहीं दे सकती। सामने वाली गाड़ी कितनी बड़ी है और कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कोहरे के समय आपको ड्राइव करना हो तो किन किन पॉइंट्स को याद रखेंगे और किस तरह से एक अच्छी ड्राइव कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी हम आ गए देखो रोड पे अभी थोड़ा कोहरा कम है, लेकिन आज रात को इतना ज्यादा कोहरा था, एक्सट्रीमली कोहरा था। तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि ये सारी चीजें मुझे बतानी चाहिए, इसके ऊपर एक टोटल कंप्लीट वीडियो बनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कोहरा जब आ रहा होता है ना तो उस समय हमारी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और लो विजिबिलिटी में गाड़ी चलाना सिर्फ अंदाजे से वो है सबसे ज्यादा खतरनाक। मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं कोहरे के अंदर वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होते हैं, क्यों स्पीड का मीटर देख रहे होते हैं और मीटर स्पीड बहुत स्लो चल रही है, 20 की स्पीड, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाओ, इतना धीरे धीरे हम कहाँ चल पाएंगे। लेकिन ये सोच पहले बदल दीजिए, जितना दिखे उतना ही चलेंगे। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का हमको विजिबिलिटी है तो उतना ही चलेंगे, ये एक रूल याद रख लीजिए। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, विजिबिलिटी कम है बाहर लेकिन आपको अंदर से वो विजिबिलिटी कम दिख रही होती है, क्यों? आपकी विंडशील्ड अच्छी तरह से साफ नहीं हुई होती है। विंडशील्ड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अंदर से भी और बाहर से, अंदर से फोग ना जमे उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है किस तरह से आप अंदर की फोग क्लियर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा। बाहर से विंडशील्ड बार बार खराब ना हो, गंदी ना हो, हेजी ना हो, उसको क्लियर करने के लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन वो दोनों चीजें देखने के बाद आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपकी जब विंडशील्ड क्लियर है तो बाहर की विजिबिलिटी और अंदर की विजिबिलिटी आपकी बराबर होगी। और मोस्टली टाइम मैंने देखा यही है कि अंदर से हम देखते हैं तो हमको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है फोग दिख रहा है, थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के देखो तो आपको लगता है अब ज्यादा क्लियर दिख रहा है, वो प्रॉब्लम होती है विंडशील्ड की। जब आप फोग में चल रहे हैं तो आप एक चीज याद रखिए, फोग की एक लेयर होती है, कई बार वो लेयर ऊपर और नीचे हो रही होती है, कोशिश कीजिए उस फोग की लेयर के नीचे से झांकने का। कई बार ऐसा मौका नहीं होगा कि नीचे से देखना पड़े तो आपको हल्का सा ऊपर से देखना होगा। और दूसरी चीज, आप ड्राइव कर रहे हैं रात में, अगर स्पेशली ड्राइव कर रहे हैं तो लो बीम पे गाड़ी को ड्राइव कीजिए। और कई बार तो दिन में भी ऐसा फोग होता है कि आपको हेडलाइट का यूज करना पड़ता है, तो वहां पे भी हेडलाइट आपको लो बीम ही यूज करनी है। अगर आप हाई बीम पे रखेंगे तो जितना आपको दिख रहा था वो भी दिखना बंद हो जाएगा। हाइलोजन बल्ब जो है कोहरे के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, हाइलोजन लैंप है तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एलईडी लाइट आपके पास कितनी भी स्ट्रांग और कितनी भी हाई रेट की क्यों ना हो, फोग में वो सब फेल हो जाता है। स्पेशली जिनके पास एलईडी सेटअप होता है ना, हाई प्रोजेक्टर लैंप लगाए होते हैं, वो लोग सामने वाले को इरिटेट कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो सेफ चल रहे हैं, सामने वाला इरिटेट हो रहा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाला इरिटेट होके आपको डैमेज कर सकता है, इतना ध्यान रखिए। मैं ये कहूँगा सामने वाले को भी इरिटेट मत कीजिए और खुद भी सेफ चलिए, लो बीम का यूज कीजिए। फोग लैंप अगर आपने लगाए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फोग लैंप का जो सेटअप होता है वो भी स्पेशली ध्यान रखने वाला होता है। फोग लैंप कई लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका फोकस बिल्कुल आगे रखते हैं, बिल्कुल अगर सामने फोकस है आपका तो फोग लैंप किसी काम का नहीं। फोग लैंप का सेटअप थोड़ा सा डाउन होता है नीचे की तरफ, क्योंकि कोहरे में ऑलरेडी विजिबिलिटी कम होती है, कम डिस्टेंस पे ही हमको क्लियर देखना होता है। और कम डिस्टेंस पे देखते हुए आपकी गाड़ी रोड के नीचे ना उतर जाए, कहीं डिवाइडर पे ना टकरा जाए, रोड का मेजरमेंट आप व्हाइट रिफ्लेक्टर से ले सकते हैं। ये जो व्हाइट स्ट्रिप बनी हुई दिख रही है आपको रोड पे, ये बहुत फायदा देती है हमको फोग में ड्राइव करते समय। ये स्ट्रिप को आप फॉलो करते रहिए, दूसरी लेन में मत चलिए, अपनी लेन में चलते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, गैराज प्रो। कार पीएम वालों का एप्लीकेशन गैराज प्रो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपनी कार के आप कोई भी स्पेयर पार्ट्स घर बैठे मंगा सकते हैं फ्री डिलीवरी के साथ।
और बहुत बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि मिंडा, हैला, बॉश, इन सारे स्पेयर पार्ट्स के ऊपर एक अच्छी खासी डिस्काउंट आपको मिल जाती है, साथ में फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। और हाँ, अगर स्पेयर पार्ट्स आपकी कार में फिट नहीं होते या कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर एप्लीकेशन चलाना आप नहीं जानते तो सिंपल एक नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं, ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में गैराज प्रो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और नंबर भी है, चाहे तो वहां पे एक बार जरूर अपने लिए सामान ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में आगे। और एक अच्छी ट्रिक अगर आपको दूं तो एक बड़ा व्हीकल सेलेक्ट कर लीजिए अपने आगे चलता हुआ, जैसे कि बस या कोई ऐसा ट्रक जिसके पीछे रिफ्लेक्टर अच्छे लगे हुए हों, उससे थोड़ा अच्छी दूरी बना के और उसके पीछे चलते रहिए। उसके पीछे चलने में आपको दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि जब वो ट्रक आपके आगे चल रहा है तो आप एक तरह से सेफ हो, सामने से आने वाला आपके लिए एक तरह से वो सेफ्टी गार्ड बन के चल रहा है। दूसरी चीज, जब वो चल रहा होता है ना तो वो फोक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, हटा रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वहां से गुजरता है फोक की लेयर में से तो वो उसको चीरता हुआ गुजरता है, कुछ देर के लिए कोहरा तितर बितर हो जाता है और आपकी विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो पाती है, जहां आप रोड की नजदीक वाली चीज भी नहीं देख पा रहे थे थोड़ा सा अच्छा देख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरटेकिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए फोक के टाइम। कोहरा आपको दिख रहा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इसको भी ओवरटेक कर जाऊं, उसको भी ओवरटेक कर जाऊं, ये तो बहुत धीरे चल रहा है, बिल्कुल मन से ये बात निकाल दीजिए और उसके पीछे पीछे चलते रहिए सुकून से जब तक कोहरा आपको मिल रहा है, क्योंकि कोहरा बहुत ही डेंजर है। और डेंजर सबसे ज़्यादा तब हो जाता है जब रोड पे आपको मिल रहे होते हैं ट्रॉली या बुग्गी या साइकिल या ऐसी चीज़ जिसके पीछे लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और कोहरे में जो एक्सीडेंट होता है वो इसी तरह से होता है, गन्ने की ट्रॉली जा रही थी, पीछे से आती हुई जीप टकरा गई, पीछे से आती हुई कार टकरा गई, ये हेडलाइंस होती है न्यूज़ की। क्यों? क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन तो दिख नहीं रहा है, सामने से पता नहीं चल रहा, हल्की कितनी भी हाई लाइट हो बिल्कुल दिए की तरह दिख रही होती, बिल्कुल ऐसे कैंडल जैसी, और बिल्कुल नहीं है तो सोचिए कितना दिखेगा। तो अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिवेट रखिए, सतर्क रखिए, पीछे चलिए वो ज़्यादा अच्छा है, ओवरटेकिंग ना करिए सबसे अच्छा है, लेन अपनी ही चुनिए, बिल्कुल ज़्यादा किनारे भी मत चलिए और बिल्कुल ज़्यादा दूसरी रोड पे भी मत चलिए। अब बिल्कुल ज़्यादा किनारे चलना नहीं मना क्यों कर रहा हूँ आपको, आप समझ लीजिए इस लेन में अगर चल रहे हैं बिल्कुल किनारे तो यहाँ पे ज़्यादा चांस होंगे आपके साइकिल वाले को हिट कर देने के या फिर बिना रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों को हिट कर देने के। बाइक अगर चल रही है तो वो मोस्टली साइड में चलेगी, साइकिल वाले भी साइड में चलेंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि पैदल कोई जा रहा होता है उसको आप नहीं देख पाते, ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, कई बार गाय या भैंस कुछ भी रोड के किनारे बैठी होती है वहाँ आप हिट कर जाते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि सड़क के थोड़ी सी इस तरफ चलें और दूसरी लेन से बचते हुए चलें, सामने वाला जो रिफ्लेक्टर ये वाइट पट्टी है ये आपके लिए बहुत मददगार है, हैलोजन लैम्प का सही सेटअप, विंडशील्ड का बिल्कुल क्लियर होना, अंदर से फोग ना आना, बस ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, अब आप कोहरे में ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार अगर अवॉइड किया जा सकता है तो कोहरे में ड्राइव करना अवॉइड कीजिए, मौसम खुला हो तभी चलिए। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गए हों और आपको वो पॉइंट्स मालूम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग ऐसे ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ फोग पड़ती है, आपका कोई दोस्त, रिलेटिव या रिश्तेदार रहता है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।